बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं अपने तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ इसी स्टैटिस्टिक्स के चैनल पर, और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक और अहम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की स्टेटमेंट की जानिब। इफ़ मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 30, वट इज सिग्मा एक्स। व्यूअर्स, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट बाज़ाहिर तौर पर तो बहुत छोटी है, लेकिन इसको समझने के लिए आपकी पूरी तवज्जो चाहिए मुझे। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशंस का मीन दिया गया है 30, और हमने फाइंड आउट करना है सिग्मा एक्स। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की जानिब। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन को राइट करते हैं। अब हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन यानी कि n इज इक्वल टू 10 दिया गया है हमें, और x बार का आंसर हमारे पास 30 है, और हमने फाइंड आउट करना है सिग्मा एक्स। तो व्यूअर्स, अब हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं मीन का फार्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। अब व्यूअर्स, यहाँ पर हम अनग्रुप डाटा का फार्मूला क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वजह है? व्यूअर्स, अगर वो हमें कहता कि फाइंड सिग्मा एफ एक्स, तो फिर व्यूअर्स हम ग्रुप डाटा का फार्मूला इस्तेमाल करते। अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है सिग्मा एक्स, तो इसलिए अब यहाँ पर हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे अनग्रुप डाटा का। तो अब व्यूअर्स, यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। एक्स बार का आंसर व्यूअर्स हमारे पास 30 है, देन इक्वल सिग्मा एक्स ओवर एन की जगह हम व्यूअर्स पुट कर देंगे 10। अब व्यूअर्स, नेक्स्ट आपने क्या करना है व्यूअर्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 10 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स। अब व्यूअर्स, हम हेल्प लेते हैं कैलकुलेटर से। अब सबसे पहले व्यूअर्स, आप कैलकुलेटर पे एंटर करेंगे 10 मल्टीप्लाई 30, तो आंसर व्यूअर्स हमारे पास क्या आया है, 300। तो इस तरह व्यूअर्स, यहाँ पे हम लिखेंगे 300 इक्वल सिग्मा एक्स। तो हमने व्यूअर्स फाइंड आउट कर दिया कि सिग्मा एक्स का आंसर 300 है। तो ये थी व्यूअर्स आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।